तन वतन मेरे आबाद रहे तू, जहाँ रहूँ जहाँ मैं। सुनिए तू ही चिंद तू ही। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह और आपका स्वागत करता हूं द इंडिया हेडलाइंस में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज न्यू ईयर ईव है और आज के खास मौके पर मेरे साथ मौजूद हैं द वॉइस ऑफ दिल्ली मिस्टर गौरव कुमार जी। आज हम उनसे छोटी सी मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि न्यू ईयर पे उन्होंने क्या रेजोल्यूशन लिया, कोई ऐसी आदत जिसे वो छोड़ना चाहते हैं या कोई ऐसा गुण जिसे वो अपनाना चाहते हैं। उनसे छोटी सी मुलाकात करते हैं और जानते हैं न्यू ईयर के बारे में, क्या उनके प्लान्स हैं, क्या एक्साइटमेंट है उनके साथ, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो सर, पहले तो सबसे पहले कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। तो कैसा लग रहा है आज न्यू ईयर ईव है, कोई खास प्लानिंग एक्साइटमेंट? बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरी साइड से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर गाइज। और हाँ, एक्साइटमेंट की बात करें आप तो एक्साइटमेंट हमेशा रहती है मेरे को म्यूज़िक को लेके, अपने और मेरे फैंस को। मैं हमेशा ही कोशिश करता हूँ कि मैं एक नए गाना गा के उनको एंटरटेन करता रहूँ और आने वाले टाइम में भी मैं कंटिन्यूसली अपने फैंस के लिए बहुत सारे रॉकिंग सॉन्ग्स वाला। तो जैसा कि मैं बता रहा था अपने दर्शकों को, कोई ऐसा रिजोल्यूशन, कुछ ऐसी मतलब कोई बात जो आपने इम्प्लीमेंट करी अपनी लाइफ में, छोड़ना चाहते हो, कोई आदत या कोई खास गुण जिसे आप अपनाना चाहते हो? देखिए, मेरा मानना है कि मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम कर सकूँ और सभी की हेल्प कर सकूँ और ऐसे ही हर किसी को खुशियाँ देता हुआ चलूँ। क्योंकि हाँ, अगर आप किसी को खुशी देते हैं तो उसके बदले आपको हमेशा दुआ ही हासिल होती है। तो मैं मानता हूँ कि हमें हमेशा किसी ना किसी की मदद करते रहना चाहिए और हमेशा अच्छे इंसान बने रहना चाहिए। कि आपके छोटे भाई या घर में कोई ऐसा फैमिली मेम्बर जो आप चाहते हो कि आप जैसा बने या आपसे इंस्पायर हो, कोई घर में आपसे गिटार सीखते हो या म्यूजिक सीखते हो, उसके बारे में बताना चाहते हैं? बिल्कुल, ये है अभिनव चौहान। इससे गिटार सीखना स्टार्ट कर दिया था मेरे से। और अभी कुछ कहना चाहेंगे आप? तो आप कब से गिटार बजा रहे हैं? 5-6 months। यानी कि मज़ा आता है भैया से सीखने में, काफ़ी इन्जॉय करते हैं आप? हाँ बिल्कुल। म्यूज़िक पसंद है, यानी कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही जाना चाहते हैं? बिल्कुल। इंस्पिरेशन भी गौरव भैया से मिली आपके, यानी कि आप उन्हीं से इंस्पायर्ड हो या फिर कहाँ से आया मतलब दिमाग में कि भाई म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही जाना है? मुझे अपने मामा से ही आया है। तो इन्जॉय करते हैं म्यूज़िक, गिटार विटार बजाना अच्छा लगता है या फिर भैया के डर से कई बार, मतलब ऐसे कोई ये तो नहीं लगता कि हाँ मेरे को, अपनी मन की खुशी से बजाते हैं या फिर भैया जब कभी प्रेशराइज करते हैं तभी बजाते हैं? ऐसे नहीं है, मुझे अपने आप से भी बहुत अच्छा लगता है गिटार बजाना। तो ये थे हमारे साथ गौरव कुमार जी के छोटे भाई, जिन्होंने बताया कि वो अपने बड़े भाई से काफ़ी इंस्पायर हैं, उनके आइडल हैं वो। सर, एक आखिरी सवाल मैं आप चाहूँगा कि आप ने जो ज़िंदगी में ये मुकाम हासिल किया है, आप इसका जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है, घर में किसे देना चाहेंगे, कौन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहा? देखिए, मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरू की बचपन से ही, मतलब मुझे वो में ले जाया करते थे और जब उन्हें गा तो मेरा भी मन करता था। सपोर्ट चाहिए होता है इंसान को फैमिली का, पूरा और मेरी फैमिली से, मेरे बड़े भाई भी यहाँ पे हैं मौजूद। तो मैं इतना कहूँगा कि हाँ, मैं जो कुछ हूँ अपने परिवार की वजह से हूँ और ब्रदर है अमित कुमार और यही मेरे सारे शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। इवन सारे प्लेटफॉर्म जितने भी हम लोग शोज़ करते हैं, हम कोशिश यही करते हैं कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए। तो दोस्तों, जैसा कि गौरव कुमार जी ने बताया कि उनके बड़े भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, अमित कुमार जी, और उनके शोज़, गौरव कुमार जी के जो शोज़ हैं वो ऑर्गेनाइज़ कराने में उनकी काफ़ी हेल्प कराते हैं, काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से मतलब वो ये सब मैनेज कर पाते हैं, शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं और क्या उनकी लाइफ में इसके अलावा कोई गोल है, और उनसे बात करते हैं और जानते हैं। तो सर, सबसे पहले तो न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ, और कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो आपकी पूरी टीम को, बहुत बहुत मुबारक हो। तो सर, आप जैसे गौरव जी ने बताया कि उनके शोज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं, काफ़ी सपोर्टिव भी रहे हैं उनके लिए, तो आपसे एक बार विस्तार से पूछना चाहूँगा कि मतलब आप चाहते थे कि वो म्यूज़िक इंडस्ट्री ज्वाइन करें या फिर आपने केवल उन्हें सपोर्ट किया जो उन्होंने हमेशा से करना चाहा?
ऐसा है, मैं शुरू से ही नोटिस कर रहा था गौरव का सारा फोकस म्यूज़िक पे रहता था और कुछ नज़र आता था अलग से कि हाँ मतलब कुछ करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है। फिर कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली और स्टार्टिंग में हमने कई सारे इवेंट्स करे जहाँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोगों ने बहुत पसंद करा मेरे भाई के काम को। तो फिर हमारी भी इच्छा हुई कि इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। और जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि क्या नाम है, हमारे जो डैडी हैं पिताजी श्री शंकर लाल जी, वो भी म्यूज़िक लाइन से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और कभी वास्ता पड़ेगा तो आपको मिलवाऊंगा उनसे। वो कहते हैं ना मोहम्मद रफ़ी की टू कॉपी, तो किसी दिन आप सुनेंगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि जो ये म्यूज़िक है या जो ये टैलेंट है हमें विरासत में मिला है हमारे डैडी की वजह से। तो सर अभी गौरव जी ने बताया हमें कि आप कोई एके इवेंट्स कंपनी करके भी मतलब कुछ कंपनी चलाते हैं जो कि इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एके इवेंट्स भी जो है समझिए हमारी म्यूज़िक की वजह से ही है। जब हमने म्यूज़िक को अपना म्यूज़िक का रिस्पॉन्स रहा तो हमने एक इवेंट कंपनी में खोली जिसका नाम एके इवेंट्स के नाम से रखा मैंने, और बहुत शुरू से ही बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है हमें। और गवर्नमेंट, प्राइवेट, नॉन प्राइवेट, हर टाइप के इवेंट्स हम कर चुके हैं और काफ़ी रिस्पॉन्स रहता है। और एक कंपनी, ये तो इवेंट की लाइन में हमारा काम है एक इवेंट्स का, और बाकी प्रोडक्शन म्यूज़िक वीडियोस या एल्बम हम बनाते हैं जिसमें मेन लीड गौरव भी होता है, तो उसका हमारा एक प्रोडक्शन के नाम से है। तो बहुत सारी एल्बम बनाइए, कभी आप सुनिए अपने चैनल पर दिखाई तो पता लगेगा आपको। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गौरव कुमार जी के बड़े भाई मिस्टर अमित कुमार जी। तो और जैसा कि आपने सुना कि संगीत कहीं ना कहीं खून में ही बसा हुआ है, रगों में है, और बहुत अच्छा लगा गौरव जी और अमित जी से बात करके, इनकी फैमिली से बात करके, काफ़ी क्यूट हैं। अभिनव चौहान जी भी हैं हमारे साथ, तो मुझे सबसे बात करके पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आप इस वीडियो को देखिए, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। और जाते जाते चंद लाइन मधुर आवाज़ में मैं गौरव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमें प्लीज़ सुनाएं जरूर। तो ये मेरी ही एल्बम से एक गाना, सुनिए तू ही चिंद तू ही जाने वे, मेरे लिए तू है सारा ये जहान वे, मेरे दिल ते दुआवा विच ना तेरा, जीव अखा विच बसदा है खुदा मेरा, तेरे बिन मैं भी जी ना पाऊंगा, सोनिए मैं भी जी ना पाऊंगा। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर गौरव कुमार जी, और एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि खूब इंजॉय करें नए साल पे, मस्ती करें, कीप रॉकिंग गाइस, और हैप्पी न्यू ईयर।